बताने के लिए काफी है कि मनीष कश्यप में लोगों का कितना क्रेज है और लोग जो है वो कितने ज्यादा उत्साहित हैं, क्योंकि जब से खबर मिली थी कि मनीष कश्यप आज बेऊर जेल से बाहर आने वाले हैं उसी वक्त से। और ये देखिए मनीष कश्यप कुछ कह रहे हैं न्यूज 18 से बातचीत कर। न्यूज 18 को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो मेरी माँ का भी इंटरव्यू आप लोगों ने लिया, मेरा भाई का भी इंटरव्यू लिया। हालांकि शुरू में मीडिया वाले कुछ गलत दिखाए मेरे बारे में, चूंकि उनका दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है, सरकार जो कहेगा, संविधान जो कहेगा उसका बात मानेगा। लेकिन बाद में मीडिया वालों को पता चला कि नहीं, मनीष कश्यप को साजिश के तहत फंसाया गया है, तो आप लोगों ने, सब लोगों ने साथ दिया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। भैया इतना बात कहूंगा जरूर कि जो सवाल आज मेरे से आप दिल से पूछिएगा, वही सवाल आप अपने दिल से पूछिएगा कि बिहार में बदलाव क्यों नहीं हो रहा है और उसे आखिर कौन बदलेगा। बस वही सवाल जो मेरे से पूछिएगा वही आप अपने से पूछ लीजिएगा तो जवाब आपको मिल जाएगा। सारे सपोर्टर सुबह से कल से इंतजार हो रहा है। अरे उतरिए ना उजगड़िया का, क्लियर कराइए लोग ना महाराज, जितना लोग है इतने सारे सपोर्टर से कितना समर्थन, क्या कहना चाहेंगे इसे देखकर। देखिए आप अपना कैमरा घुमा दीजिए, चारों ओर दिखा दीजिए, सब ये मध्यम वर्गीय परिवार, गरीब परिवार के लोग हैं, युवा हैं, जिनको ये उम्मीद है कि कहीं नहीं तो कहीं अब बिहार बदलेगा, इनको उम्मीद है। और वो मेरे से नहीं बदल सकता है बिहार, वो भैया आपको बदलना पड़ेगा, हमको बदलना पड़ेगा, इन सबको बदलना पड़ेगा, तब जाके बिहार बदलेगा। समर्थन है तो आप लगता है बदल देंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। श्री कृष्ण भी चाह के अकेले नहीं युद्ध जीत सकते थे, महाभारत में उनको अर्जुन की जरूरत पड़ी। आप या मैं चाह के जो है हम लोग बिहार नहीं बदल सकते हैं, देश नहीं बदल सकते हैं, इसमें हर किसी की जरूरत पड़ेगी, तब जाके हमारा बिहार बदलेगा। एकदम बिल्कुल गांव जाएंगे, माता जी से जरूर मिलेंगे, महीने के बाद मिलेंगे। मेरी नानी को कैंसर हुआ है, मैं उनका इलाज एम्स में कराता था, मुझे जेल में डाल दिया गया, नानी बेड पे पड़ी हुई है मेरी, जाके आप लोग देखिए, जाके देखिए, अभी जाके देखिए कि नानी फोर्थ स्टेज कैंसर में, अब पता नहीं बचेगी कि नहीं बचेगी, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि 9 महीने से मैं जेल में था और मैं इलाज कराता था उनका, दर दर की ठोकरे खाया IGIMS में, उसके बाद से नहीं हुआ तो मैं एम्स में जाके इलाज कराया उनका। अब जरा सोचिए, और वो अभी बेड पे पड़ी हुई है, जाके देखिए, यह स्थिति है। इन लोगों के भी घर में दादी, नानी, पापा, मामा, काका बीमार होंगे और इन लोगों के भी, उन लोगों का इलाज नहीं होता है अस्पताल में, यह स्थिति है। उसके बावजूद भी मैं जेल काट के आया हूँ और मैं काला पानी का सजा काट के आया हूँ, मुझे तमिलनाडु में भेज दिया गया, ऐसा लग रहा था कि मैं बिहार का आतंकवादी हूँ, ऐसा मुझे वहां पे भेज दिया गया। कम से कम सर माना चाहिए यहाँ के नेताओं का। और ये लोग सोचे हम डर जाएंगे, नेल्सन मंडेला जो है वो 30 साल तक जेल में रहे, हम भी नहीं डरेंगे, ये गारंटी है। इनको इनको जो करना है कर ले, क्या करेंगे, मर्डर थोड़ी किए हैं, जो करना है कर ले, जितना दिन जेल में रखना है रख ले, निकलेंगे तो फिर वही चिल्लाएंगे और वही काम करेंगे, निकलेंगे तो। हम डरने वाले नहीं है इन लोगों से, और बिहार का DNA इतना खराब नहीं है कि इन कंस से डर जाए। हम लोगों का जो है दशरथ मांझी का DNA है, हम लोगों का जो है गुरु गोविंद सिंह का DNA है, और हम लोग नहीं डरने वाले हैं। सर आगे क्या संकल्प लिया है आपने? बस आपके साथ मिलकर बिहार को बदल देना है। और उस जो आप पत्रकारिता कर रहे थे वो एकदम बिल्कुल 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 कंटिन्यू करेंगे। अगर पत्रकारिता से डर गए तो ये लोग समझेंगे कि हाँ, एक पत्रकार को हम लोग डरा के जो है उसकी पत्रकारिता को खत्म कर दिए। इन लोगों को खत्म करना है जो बिहार को दिम्बक की तरह, फेविकॉल की तरह कुर्सी पे बैठ के दिम्बक की तरह बिहार को नोच रहा है, वैसे वैसे नेताओं को खत्म करना है। लड़ने में काफी कर्ज हो गया आपके भाई बता रहे थे, बहुत ज्यादा। अरे आदित उतरिए ना, उसे हटवाइए ना, ये क्या ये लोग कर रहा है मजाक मेरे साथ, फिर केस करवा देगा सब मेरे ऊपर। कर्ज को कैसे अदा करेंगे? क्या कर्ज हो गया आज परिवार के ऊपर केस लड़ने में, कर्ज को कैसे पूरा करेंगे? देखिए अब जो करना है वो तो करेंगे ही, और कुछ चीजों को जो है मैं आज नहीं बता सकता, हम आपको जरूर बताएंगे भैया, जरूर बताएंगे। अपने समर्थकों से क्या कहना चाहेंगे मनीष? आप रो क्यों रहे हैं इतना? खुशी का आंसू है ये, मुझे उम्मीद नहीं था कि 9 महीना बाद जो आदमी जेल से निकलेगा, जिसको सरकार देशद्रोही साबित करने का प्रयास करेगा और कोर्ट उसे जो है रिलीज कर देगा, वो आदमी 9 महीना बाद जेल से बाहर निकलेगा तो इतना भीड़ आगे से लेकर पीछे तक पूरा। अरे चलते रहिए ना आप, बस ये लोग जो है शांति से रहे, नहीं तो फिर मुझे जेल में डाल देगा सब। आप लोग शांति से रहे। और देखिए राखी जो है वो बांधी जा रही है, इस वक्त मनीष कश्यप ये बहने जो है पहुंची हैं और राखी बांध रही है।
आपको हटवाइए ना ये सबको, ये तस्वीर हम आपको सीधे तौर पर दिखा पा रहे हैं। तस्वीरों में और अब मनीष कश्यप बैठ गए हैं इसी गाड़ी पर और ये गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं उनके सपोर्टर्स की जो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो ये तस्वीर यूं ही जारी रहेगी आगे तक जब तक नसीम कश्यप की गाड़ी नहीं होगी। और अब हम आपको आगे लिए चलते हैं। तो बिल्कुल हमने आपको दिखाया कि मनीष कश्यप के जो सपोर्टर्स हैं वो लगातार